वेलकम फ्रेंड्स, एक नई क्लास आपकी एक नई उम्मीद के साथ। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की क्लास आप देख रहे हैं आपके अपने पीवीआर स्टडी के साथ। जी हाँ, उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में तड़प कुछ कर दिखाने का, वो दिन में क्या रातों को भी सोया नहीं करते। ये तो सब कहने की बात है, लेकिन हाँ, सोना जरूरी है बट काम पहले और सब बाद में। चलिए देखते हैं, ये आपका अभ्यास 5 का सी का सवाल नंबर 7 है। अभ्यास 5 सी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मनोहर प्रकाशन की बुक के अनुसार है ये, जिसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल दिया है, मतलब यहां SN दिया है, और सर्वांतर दिया है D4 है, अंतिम पद यानी यल दिया है 31 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना हमें दिया है और इतना निकालना है। देखिए करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले आप एक काम करिए, जो दिया है उसकी सहायता से A का मान निकाल लीजिए और L का मान निकाल लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी और फिर आप इसमें क्या करेंगे, पदों की संख्या निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद A और श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो आप इनकी सहायता से पदों का योगफल निकाल लेंगे। पहले इसमें लिख लीजिए क्या क्या दिया है और जो भी दिया है उसको रख दीजिए फटाफट। देखिए दिया है, जो दिया है मैं इधर लिख देता हूं, दिया है SN इक्वल 136, सर्वांतर डी दिया है 4, अंतिम पदों की संख्या है 31, अंतिम पद क्या है 31, ये इसमें दिया गया है, हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, गौर फरमाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग लगाएंगे ये पदों का योगफल प्रश्नानुसार। देखिए पदों का योगफल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे और इसकी सहायता से हम और भी पद निकालेंगे। तो आप जानते हैं SN बराबर होता है n अपॉन 2, और अगर अंतिम पद दिया है तो a प्लस l, ये सूत्र होता है। बाकी एक और भी होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वो कब लगता है, जब a और d का मान दिया हो तब लगता है। इसमें a का मान नहीं दिया है, निकालना है, इसलिए ये लगाया गया क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया है। तो रख दीजिए फटाफट, जो दिया गया है ये दिया गया 136 इक्वल n का मान नहीं दिया हमें निकालना है, 2 a का मान दिया है नहीं दिया, हाँ जी नहीं दिया है, l का मान दिया है प्लस 31। इसे जब हम लोग हल करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे, है ना, तो ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 6 12 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 कम 2 272 हो गया, और ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस 31। अब आप चाहे तो इसका गुणा कर ले बाहर में, गुणा कर लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 272 इक्वल ए एन प्लस 31 n। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, देखिए अब बहुत कुछ आपका आ चुका है, जो नहीं दिख रहा मैं उसे दिखा देता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, तनिक भी हैरानी मत समझिएगा। ये तो हम योगफल की सहायता से इतना कुछ कर लिए हैं, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें और कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा होगा, वो तो आपकी किताब में भी लिखा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आगे, समीकरण 1 हो गया, अब हम लिखेंगे। देखिए इसमें ये SN की सहायता से हमने निकाला तो समीकरण 1 बन गया, अब हम L की सहायता से निकालेंगे फिर समीकरण 2 बनेगा, दोनों हल करेंगे आप उत्तर पा जाएंगे। देखिए इसको हम मिटा दें, अगर आप लोग चाहे तो नोट कर लिए होंगे, क्योंकि जो दिया है उसको मैंने लिख लिया है ऑलरेडी, इसको आप लिख लीजिएगा या फिर समझ लीजिए कहीं भी। आगे बढ़े, अब हम देखेंगे L बराबर दिया है, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो चलो भाई रख देते हैं, L का मान 31 दिया था, ये 31 दिया है, a का मान नहीं दिया, n का मान नहीं दिया, माइनस 1 इंटू ये d का मान 4 दिया था, यहां कोई यूज नहीं था d का। अब ये हो जाएगा 31 बराबर
इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n-4। यहां से आप क्या करेंगे, एक अमान निकाल लेंगे, इसको 4n से जब एक n आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा का 3। हो गड़बड़ है, 4 का n में मल्टीपल हुआ 4n हुआ, 4 का 1 में होगा कितना होगा 4 होगा बाबू 4, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, उसे आप देख रहे होंगे, ये माइनस इधर आएगा हो जाएगा प्लस, यानी कि 31+4 = a+4n। इसे आप कंप्लीट में लिख सकते हैं, a+4n = 35। ये समीकरण दो बन गया, अब आ गया समीकरण दो बन गया, आ गया। यहां से आप a का मान निकाल लीजिए कंप्लीटली, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, a = 35 - 4n। ठीक है, समीकरण दो इसी को मानिए ज्यादा अच्छा रहेगा। a का मान जो आया है इसको लाके इसी में ढकेल दीजिए, बस हो गया आपका उत्तर, इसी में लाके रख दीजिए a का मान जो आया है 35 - 4n। नोट कर लिए, वीडियो को रोक करके यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए यहां पे हम आपको दिखा देते हैं, बहुत जगह है आप लोगों के कृपा दृष्टि से, यहां पे कमी नहीं है कोई चीज की, ये बहुत सारा जगह है। इधर देखिए आप क्या लिखेंगे, जो दिया गया है ना ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक बना है समीकरण दो बना है, लिख लीजिए यहां पर ए का मान समीकरण एक में रखने पर, नोट कर लीजिए फटाफट, ये 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू, तो बहुत जल्दी नहीं होगा ये। समीकरण एक पहले लिखेंगे, 272 = an और था +31n, ये समीकरण एक था। इसमें a की जगह पर मान रखना है कितना, 35 - 4n, तो रख दीजिए एक की जगह पर, ये 272 ऐसे रहेगा, एक की जगह पर हो जाएगा 35 - 4n * ये जो n है ना, ये n ऐसे ही उतर जाएगा बाहर से, ये कोष्ठक में जो है केवल एक की जगह पर मान है, ये पूरा a का मान है, a का n बाहर से आ जाएगा वैसे, और प्लस ये 31n। इसी को हल कर दीजिए, यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ये बन जाएगा 272, इसमें जब गुणा हो जाएगा आपका n का तो ये हो जाएगा 35n और -4n2। क्यों, क्योंकि 4n का गुणा जब n में होगा तो ये 4n2 होगा, जिनको नहीं दिख रहा होगा अभी नीचे करके दिखा देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, अभी कैमरा नीचे करके बिल्कुल सब कुछ दिखा देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें, कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा। और प्लस ये हो जाएगा 31n, देखिए ये 31n और ये 35n, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं फटाफट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका उत्तर लगभग आ चुका है, इसमें क्या करना है, इसी को फटाफट आगे बढ़ाते जाना है और हल कर देना है, काम खत्म कर देना है। ये हो जाएगा 272 और ये 35n और ये +31n जुड़ेगा तो हो जाएगा 36n और ये आपका कंप्लीटली हो जाएगा 36n - 4n2। ये इधर माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4n2 और ये 36 वाला जो इधर आएगा ना तो क्या होगा भाई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 36n, 72 वाला उधर जाएगा 272, ये हो जाएगा किसमें, उधर नहीं जाएगा, ये इधर है रहेगा, इधर है साइड, ये लोग आ रहे हैं, प्लस में रहेगा = 0। ये देखिए आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, बन गया ना, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे आप हल कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, हो चुका है, इतना नोट कर लिया हो तो बताएं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण हम लोग इधर साइड हल करेंगे लाके कहीं और। इसमें देखिए दो कॉमन है सभी में, सभी में दो कॉमन है, आप कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2n² - 36 नहीं होगा बाबू, देखिए सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ किया है, वो ये दोनों जोड़ेंगे तो 66 होगा ना, मैंने 66 बोला भी था शायद, है ना, तो ये हो जाएगा 66n जो है वैसे रहेगा, दो कॉमन ले लेंगे, 4 की जगह 2 बचेगा और ये जो 66 है वो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा n और प्लस 272 के आधा कितना हो जाएगा 136। अब 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके इतना लिख लीजिए तो फिर मैं आगे दिखाता हूं, ऐसे फिलहाल तुरंत रोक लें, हो गया। अब हम उसी क्वेश्चन को हल करेंगे, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
बस इक्वेशन हम आपके सामने तुरंत सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये देखिए इधर साइड में देखिए हमारा इक्वेशन जो आया है वो 2n का स्क्वायर माइनस 33n और प्लस 136 इक्वल 0, गुणा करने पर 272 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ दो है ना। अगर ये हल करना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, आपको इसको हल करना सिखाएंगे। गुणा करने पर 272 आए और जोड़ने पर 33 आए। कोई ऐसा दो गिनती बताइए, जैसे 20 में हमने जोड़ा 13 तो ये 33 तो हो गया, लेकिन 20 और 13 का अगर गुणा करें तो 272 आए। करके देखते हैं, 13 0 0 13 2 26, गुणा करने 260 आ रहा, 72 नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा कब पता है? जोड़ लीजिए, 13 में आप 17 का जोड़ेंगे क्या होगा, 30 होगा ना, लेकिन 13 17 नहीं होगा, 16 17 देखिए, 16 16 32 33 ना, 16 17 गुणा करिए, 16 सत्ते 16 85, 16 छक्का कितना होगा 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 17 का कर लीजिए, 17 छक्का 102 हासिल कितना आया 10, और 17 17 17 10 27 आ गया ना 272, यानी ये 16 और 17 हो जाएगा। ये चीज आपको समझना होगा, 33 की जगह पे आप लिख देंगे 16 प्लस 17 एन प्लस 136 बराबर 0, और ये 2n स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा कंप्लीटली हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 16n और ये माइनस 17n प्लस 136 बराबर 0। इसमें 2n कॉमन ले लेंगे, केवल n नहीं होगा तो बचेगा n माइनस 8, इसमें माइनस 17 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 8 बचेगा, क्योंकि 17 8 136 होता है ना, है ना, 8 7 56 8 1 5 13। अब यहां पर इसको एक बार जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो n के दो वैल्यू आएंगे, n इक्वल 8 आएगा और n इक्वल 1 आएगा आपका 17/2, है ना। तो कर श्रेणी के पदों की संख्या हमें निकालना है, एक पूर्ण संख्या में निकालना है, ये जो 17/2 आ रहा है ये आपका मान नहीं होगा, हाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, और जो 8 है वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना है 8 आ गया। आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा तो हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन आप लोग समझ तो गए होंगे ना, चाहे एक ही सवाल हल करिए लेकिन समझिए उसे पूरा। मैं क्वेश्चन आपको एक बार में दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको रोक करके लिख लीजिए जो भी लिखना चाहते हैं फटाफट तुरंत, हो गया ना, नोट कर लीजिए सब कुछ दिख रहा है, वीडियो को इसी पे रोक लीजिए। जैसे जैसे हमने हल किया था आपको बता दिया, देखिए सबसे पहले हमने इतना पार्ट हल किया था, सबसे पहले यहां तक ही क्वेश्चन नंबर 1 बना था, पहले इसको नोट करिए। इसको नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, एल की सहायता से आप इसको हल करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको करिए, तीसरे नंबर पे इसको करिए, और फिर चौथे नंबर पे इसको नोट करिए। कर लिए सब कुछ, समझ गए ना, चलें आगे अगला सवाल पे। ध्यान से देखिएगा इस क्लास को पूरा देखिएगा, अगर समझ गए तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझे तो ऊपर नंबर दिया गया आप कांटेक्ट करिए, आपको समझाने की पूरी जिम्मेदारी होगी और आप अवश्य समझेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो आपके सामने दिया गया, यानी कि अभ्यास 5C का 8वां सवाल है, ये बहुत अजीब सा है ना, अजीब सा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्लास को पूरा देखेंगे पक्का समझ में आएगा। एक क्लास मिनिमम आपकी जो है 40 से 45 मिनट की होती है, जैसे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती है, बस उतना ही, ठीक है। देखिए करण दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। दर्शाइए मतलब दिखाइए, यानी प्रूव करिए, समांतर श्रेणी बनती है मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का निर्माण होता है। यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए हुए अनुसार का मतलब ये चीज दिया था नीचे, ठीक है, मैंने नीचे नहीं लिखा, इसको बगल में लिख दिया है, नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, यानी कहने का मतलब AN जो है वो 3+4n के बराबर है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, ये समांतर श्रेणी बनती है कि नहीं बनती है कैसे दिखाएंगे, एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया है उस पर आपको निर्माण करना है। आइए देखते हैं जो दिया है, क्या दिया है, AN बराबर दिया है ना, देखिए दिया है यहां पर लिख लीजिए, आपके पास जो दिया है आप वहीं से शुरू करेंगे,
एन इक्वल थ्री प्लस फोर एन, एन का मान क्रमशः रखिए, देखिए एन बराबर एक दो तीन चार डैश 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 रखने पर, तो देखते हैं कौन सी श्रेणी बनती है। चलिए एन का मान एक रखिए, तो ये हो जाएगा ए वन इक्वल थ्री प्लस फोर इंटू वन, यानी ए वन का मान आया सात। क्लियर, ये हो गया पहला, एन का मान एक रख दिया। अब यही नीचे रख लेते हैं एन का मान, ये आप इसको पहला मान लीजिए चाहे तो, एन का मान दो रखने पर, ये एन बराबर एक रखने पर आया था, याद रखिएगा। आप यहां चाहे तो बीच में लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिए एन बराबर एक रखने पर, पहले तो लिखा एन बराबर एक दो तीन चार पांच मतलब सब रखने पर, दूसरे लाइन में लिखिए एन बराबर एक रखने पर, तो एक रखा इतना आ गया। अब एन बराबर दो रखिए तो हो जाएगा ए टू, या मतलब यहां एन की जगह दो तो ए टू हो गया, और थ्री की जगह थ्री प्लस फोर की जगह फोर, एन की जगह दो तो हो जाएगा ए टू इक्वल चार दूना आठ तीन ग्यारह, ए टू का मान ग्यारह आ गया। इसी तरह से देखिए फटाफट रख दीजिए अगला, ए बराबर तीन रखने पर, तो ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन में रख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए थ्री इक्वल फोर प्लस फोर इंटू थ्री, कंप्लीटली हो जाएगा ये बारह यानी कि पंद्रह, ए थ्री इक्वल पंद्रह आ गया, ए थ्री पंद्रह आया, ए टू इक्वल ग्यारह आया, ए वन इक्वल आया आपका सात। देखिए सात ग्यारह पंद्रह, जरा गौर करिए, सात ग्यारह पंद्रह एक श्रेणी में है, क्योंकि चार चार का अंतर है, सात में चार जुड़िए ग्यारह आया, ग्यारह में चार जुड़िए पंद्रह आया, है ना समांतर श्रेणी। लिख दीजिए फटाफट इतना करने के बाद, कर लिए। अब मैं लिखता हूं, देखिए इसको मैंने थोड़ा ज्यादा फैला दिया आपको समझाने के लिए, बाकी इसको आप चाहे तो एक शॉर्ट तरीका से थोड़ा दूर में कर सकते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट तरीका से इसको थोड़ा दूर में कर सकते हैं। और वो कैसे मैं यहां पे दिखा दूं, वो ऐसे ऐसे कि आप एन बराबर यहां एक रखिए, तो हो जाएगा ए वन इक्वल कितना थ्री प्लस फोर यानी वन इक्वल हो गया सात। अब ए टू बराबर थ्री प्लस फोर इंटू टू, ये चार दूना आठ तीन ग्यारह, ए थ्री इक्वल थ्री प्लस फोर इंटू थ्री चार तीन बारह तीन पंद्रह, देखिए ए थ्री ए टू ए वन सब आ गया इकट्ठा ना, छोटी दूर में आ गया ना, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे ये कैसे कैसे सब हो गया, ठीक है, ये तो आपके मानोगे। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए एक नई लाइन में, अतः दूसरा ग्यारह तीसरा पंद्रह, अब आप यहां लिखेंगे अतः सात ग्यारह पंद्रह उन्नीस तेईस डैश डैश समांतर श्रेणी में है, मतलब ये सिद्ध तो हो गया कि ये समांतर श्रेणी में है, दर्शाइए कि ए वन ए टू ए एन से बनने वाली श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, ये हो गया दर्श गया सिद्ध हो गया। बट कह रहा है नीचे कि प्रथम पंद्रह पदों का योग भी ज्ञात करने को इसमें ये बोल रहा था, तो अब ये प्रक्रिया हम करेंगे, पंद्रह पदों का योग इसमें से निकालेंगे, और यहां हम देखेंगे ए बराबर कितना है, ए बराबर सात है क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, तो ए बराबर हो गया पहला पद, डी बराबर इसमें से घटाएंगे किसी में से दूसरे को तो चार आएगा, सर्वांतर चार है। अब लिखिए प्रथम पंद्रह पदों का योग, प्रथम पंद्रह पदों का योग आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बोल तो रहा हूं मैं ना, लिखना तो आता है हिंदी ना, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका योग का फार्मूला एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में मान ला के ढकेल देंगे सारा, जो भी दिया गया आपका उत्तर आ जाएगा। एन का मान पंद्रह है क्योंकि पंद्रह पदों का योग निकालना है, तो एन बराबर पंद्रह है का टू इंटू ए का मान सात है क्योंकि ये सात दिया था ना, एन एन का मान फिर हो जाएगा पंद्रह माइनस वन इंटू डी का मान है चार, इस तरह से हम इसे करेंगे तो ये पंद्रह बटा दुई दुई सत ये हो जाएगा चौदह धन, इसमें से घटाएंगे तो चौदह आएगा, चौदह का चार में गुणा करेंगे तो चौदह चौका कितना हो जाएगा, ये छप्पन हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा, ठीक है। आगे चले, देखिए इसको भी जोड़ दीजिए, जो भी जुड़े घटे आप चाहे तो इसमें से काट भी सकते हैं, चूंकि देखिए इसमें भी गुणा में चार है, इसमें भी आप इसमें से दो कॉमन निकाल सकते हैं पहले,
लेकिन मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो ये 56 हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 1 6 1 7 मतलब हो जाएगा 70। 15/2 × 70 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 35 आ जाएगा। अब आप 15 का 35 में गुणा कर लेंगे तो 15 × 5 = 75 हासिल आया 60, 15 × 3 = 45, 5 × 5 = 52, यानी कि 525 आएगा उत्तर। कितना आएगा? 525। इस तरह से आपने देखा कि प्रथम 15 पदों का जो योगफल है वो 525 है एंड अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन जो बन रही समांतर श्रेणी वो 7 11 15 19 23 बनती जा रही। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? निसंकोच बोलिए, हम आपके लिए ही उपलब्ध हैं। आप लोग अपने कमेंट्स को तुरंत लिखें अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी अपनी स्पेशल क्लास कक्षा 10 NCERT मैथ। अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और क्लास अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हर दिन की क्लास मिलती रहे, नहीं तो हो सकता है कि आपको प्रत्येक दिन की क्लास ना मिल सके। चलें आगे, ध्यान दीजिएगा अगली क्लास में। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो तुरंत नोट कर लें वीडियो को रोक करके, जो भी हल किया गया है एकदम ऊपर जहां आपको थोड़ा गंदा दिख रहा है वहां देखिए लिखा है प्रथम 15 पदों का योग, नोट कर लिए, वीडियो को रोक लीजिए तुरंत, फिर हम आपको और भी कुछ बताते हैं। कर लिए तो आपके सामने कुछ सवाल है, उनके जवाब आप लोग कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे। सवाल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उन सवालों को नोट कर लीजिए और इन नंबरों को भी नोट कर लीजिए। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपका सवाल जल्दी ही चेक करके आपको कंफर्म कर दिया जाएगा और आप सवालों के जवाब अवश्य दीजिएगा। पहला सवाल है, जहां पर आपने 15 पदों का योग निकाला था अभी, वहां पर अगर आपको 20 पदों का योग निकालना है तो कितना आएगा, खुद से हल करके बताइएगा। दूसरा सवाल है, 15 12 9 के पदों का योगफल बताइएगा, आप पिछली क्लास के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कंपटीशन में होते हैं लेकिन 10th की मैथ देखते हैं, अगर आप भी उसी में से हैं तो ये ट्रिकी सवाल आप बताइएगा, समान जो कि आपके नेचुरल नंबर का है, प्रथम 18 सम संख्याओं के वर्गों का योग, और इसे आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर 9793484848 पर भेजेंगे। एक सवाल सभी के लिए, करंट अफेयर का भी हाल ही में, अगर आप इस क्लास को 15 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो बताइएगा अभी हाल ही में यूपी के किन किन जिलों में चुनाव हुए, मतलब द्वितीय चरण में विधानसभा का कौन सा चुनाव हो रहा है, लोकसभा विधानसभा, पहले तो ये बताइएगा कि ये चुनाव कौन सा है, लोकसभा है कि विधानसभा का, क्योंकि आप अगर 10th में हैं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा नंबर ये बताइएगा किन किन जिलों में हुए हैं, और अगर अभी आप ये क्लास पहले देख ले रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है जब रिकॉर्ड हो रही क्लास कब देखेंगे, आप चुनाव के बाद देखेंगे या पहले देखेंगे, तो आप लोग बताएंगे किन किन जिलों में होंगे, ठीक है, मतलब द्वितीय चरण में किन किन जिलों में चुनाव हुए या होंगे ये बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट की अभी हाल ही की अपडेट है, इसलिए आप लोगों को आना चाहिए और जरूरी होना है, मतलब समझ गए ना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया इस क्लास को लाइक करके जाइएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद। PVR स्टडी की संख्या लगभग 68,000 से ज्यादा हो चुकी है, ये आप सभी का प्यार है, इसलिए आप सभी बने रहे इसी तरह से और आपका PVR स्टडी आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।